प्लीज। मेरा नाम अबिरामी, मैं ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कम से कम 7 स्टेट्स में काम कर रहा है राष्ट्रीय लेवल पे। हमने दलित महिला का उत्पीड़न के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमने आज का कार्यक्रम नेशनल ट्रिब्यूनल ऑन कास्ट एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट दलित वीमेन, ये इवेंट क्यों रखा है, इसका कारण है, आप लोगों को सबको पता है महिला के ऊपर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट व्हेन इट कम्स टू दलित वीमेन द कास्ट एंड द जेंडर प्लेस ए क्रिटिकल रोल। मतलब वो जाति के वजह से भी और जेंडर के वजह से भी उनके ऊपर अट्रोसिटीज़ हो रहा है, वायलेंसेस हो रहे हैं। मगर इसी हिसाब से हमने आज कम से कम 25 केसेस हमने ज्यूरी किट का तैयार किया। ये कम से कम 2 साल का केसेस है। पुलिस FIR दर्ज डिले हुआ है, मगर होने के बाद भी चार्जशीट ज़्यादातर केसेस में नहीं दर्ज हुआ है। सो इसी तरह मेनली हमने SC ST एक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। SC ST एक्ट प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज़ है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसमें बहुत डिले से पुलिस FIR दर्ज कर रहा है। अगर FIR दर्ज करने के भी अरेस्ट, अभी भी ज़्यादातर केसेस में अरेस्ट बहुत कम हो रहा है, मगर उसी तरह केसेस भी आज आया है और चार्जशीट भी अभी तक नहीं हुआ है। मगर SC ST एक्ट में 60 डेज के अंदर चार्जशीट होना है, मगर आज भी हमने देख रहे हैं 10 महीना हो गया चार्जशीट नहीं हुआ है, 2 साल हो गया चार्जशीट नहीं हुआ है।